हेलो चैंपियंस, आपका स्वागत है द मार्ग एकेडमी में। आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ट्रिग्नोमेट्री के 8.3 का 3 नंबर तक के सवाल 1, 2, 3 को। इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज इस एक्सरसाइज को पूरा देखेंगे। इसमें जो भी सवाल बाकी है, कौन कौन सा सवाल बाकी है, 4, 5, 6 एंड 7, ये 4 सवाल बाकी है। आज हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो में इस 4 को कवर करने के लिए, इसको कंप्लीट हम लोग देखेंगे। तो आपका सवाल क्या है, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और उससे पहले आप कॉपी कलम निकाल लीजिए, पेन नोटबुक निकालिए। सवाल जैसे ही बनाते जाएंगे आप लोग इसे कंसेप्ट को समझेंगे एंड आफ्टर दैट कॉपी पे राइट डाउन करेंगे। लिखना ज़रूरी है, नहीं लिखेंगे तो फिर रिवीजन करने में समस्या होगा। तो फिर से पूरे वीडियो को देखना है, आधा अधूरा स्किप करके नहीं देखना है, तो फिर कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से कोई खिलवाड़ नहीं। कंप्लीट प्रिपरेशन पिछले वीडियो में भी बोल दिए थे, इस वीडियो में भी बोल रहे हैं दोबारा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। क्या कहता है यहाँ पे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 का ये 4th नंबर का सवाल है। कहता है इफ़ टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी, प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपका ये सवाल है, टेन ए इज इक्वल टू है टेन बी का, तो आपको शो करना है कि ए प्लस बी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। चलिए शुरू करते हैं सवाल को, क्या कह रहा है यहाँ पे, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो आपका गिवन है यहाँ पे टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी, तो इस टेन ए को और हम लोग क्या लिख सकते हैं। आप जैसे कि जानते हैं टेन ए को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, कॉट 90 डिग्री माइनस ए, हम ऐसा लिख सकते हैं। इस सवाल को दो तरीके से बनाया जा सकता है, हम इस वीडियो में दोनों तरीका को देखेंगे कि दोनों तरीके से कैसे कैसे बनाया जाए। हाँ, कंप्लीट सॉल्यूशन तो क्या लिखें हम यहाँ पे, टेन ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस ए, और आप जान रहे हैं कि टेन ए इक्वल टू क्या है आपका, कॉट बी। तो इस टेन ए की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कॉट बी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं कि आप क्या देख पा रहे हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट बी, शो ये कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू बी, ये सिंबल अब देना है, ये 90 डिग्री ऐसे ही रहेगा और ये ए माइनस में है, लेफ्ट से राइट साइड में भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, यानी कि ये प्रूफ हो चुका है आपका। आपको यही प्रूफ करना था, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपका पहला तरीका है। इसका हम सेकंड मेथड को भी देखेंगे, दूसरे मेथड को भी देखते हैं वो सवाल ये कैसे बनेगा उसके बारे में। तो हम इसमें क्या किए, टेन ए इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस ए किए, इसको एक्सचेंज किए। सेकंड मेथड में क्या करेंगे हम लोग, इसको एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ नीतीश कुमार नहीं बदलेगा, लालू यादव का बेटा भी बदलेगा, तो दोनों में से कोई भी बदले तो सरकार बनना है बिहार में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या देखते हैं, आप ये भी जानते हैं कॉट बी इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस ए, क्या लिख सकते हैं, कॉट बी इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस ए। तो कॉट बी के जगह पे आपका रिलेशन क्या गिवन है आपका, टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी, तो ये आपका टेन ए है एंड कॉट बी की जगह पे आप इसे ये लिख दीजिए टेन 90 डिग्री माइनस ए। तो इस कंडीशन में आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस, कुछ गड़बड़ लिख दिए क्या, बिल्कुल गड़बड़ लिख दिए, यहाँ बी होना चाहिए भाई साहब, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये आपका बी हो जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ये बी हो जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा बी। और इस कंडीशन में क्या देखते हैं, ये ए तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में है,
बी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो इस दो तरीके से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, एक ही सवाल को दो तरीके से। समझ में आ गया। चलिए हम साइड हो जाते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख लीजिए वीडियो को रोक करके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसका नेक्स्ट सवाल क्या है, 5 नंबर का। इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए 5th नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से बनाएंगे, दो मेथड से बनाएंगे। तो पहला आपका सवाल गिवन क्या है उसको पढ़ लेते हैं। इफ़ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, a नहीं 4a का वैल्यू एक्यूट एंगल है, ऐसा कुछ बता रहा सवाल। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू फाइंड करना है, a क्या होगा इसके बारे में फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अभी पहले तरीका से हमको गिवन क्या क्या है, sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, ये गिवन है। ठीक है, तो इस जो जो हमारे पास गिवन है इसको हम लोग दो तरीके से यूज करेंगे, दो तरीके से बनाएंगे। वो क्या है, पहला ये जो आपका है sec a, सॉरी sec a नहीं 4a है, sec 4a हम इसे लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस 4a, हम ऐसा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला पिछले वीडियो में देखे थे, इसका डेरिवेशन का वीडियो वो भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट में है, जाइए वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा देखने के लिए। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, sec 4a इज इक्वल टू cosec 90 डिग्री माइनस 4a, ये ऐसा फॉर्मूला है। तो आप इसके अनुसार से तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, शो cosec 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपके लिए क्या बन पा रहा है यहाँ पे, ये cosec हट जाएगा, 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री हो जाएगा। तो अब क्या देखते हैं, ये आपका 90 डिग्री है, 20 डिग्री माइनस में है, इसको राइट से लेफ्ट मूव करेंगे ऐसा हो जाएगा, और ये a ऑलरेडी राइट साइड में है, 4a माइनस में है लेफ्ट में, उसको राइट में मूव करेंगे तो प्लस में चले जाएगा आपका 4a। तो क्या देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, a इज इक्वल टू 4a प्लस a यानी कि 5a हो जाएगा, a इक्वल टू 90 प्लस 20 कितना होगा 110, अब बटे ये 5 हो जाएगा, कट गया। तो a का वैल्यू क्या निकला, 22 डिग्री। तो अब आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, आप एक चीज कंडीशन गिवन है, सवाल में गिवन है उससे ही पता कर सकते हैं कि राइट है या रॉन्ग है। क्या गिवन है, वेयर 4a देख लीजिए, 4a इज एन एक्यूट एंगल, तो आपका a का वैल्यू कितना निकला है 22 डिग्री। तो 4a का वैल्यू क्या होगा, 88 डिग्री हो जाएगा, एंड 88 डिग्री एज यू नो 88 डिग्री इज एन एक्यूट एंगल। तो हमारा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, a का वैल्यू निकल गया है। अब इसका हम सेकेंड मैथड को भी देखेंगे, सेकेंड मैथड क्या कहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या किए थे, sec 4a इक्वल टू ऐसा कन्वर्ट किए थे, तो दूसरा क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इसको क्या कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा कंडीशन है, क्या कंडीशन है उसको देखते हैं। तो ये आपका cosec a माइनस 20 डिग्री है, इसे आप लिख सकते हैं sec, यहाँ पे आपको डबल ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए हम एक मिडिल ब्रैकेट लेते हैं, 90 डिग्री माइनस ए माइनस 20 डिग्री, और इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस स्मॉल ब्रैकेट में पुट करेंगे, क्योंकि ये पूरा आपका मान लीजिए कि थीटा हो गया, ये थीटा, तो इस पूरे को भी थीटा लेके चलना पड़ेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है उसके अनुसार से। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे sec 4a लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, sec 4a इज इक्वल टू, इसके जगह पे हम इसे पुट कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा ये sec 90 डिग्री माइनस a माइनस 20 डिग्री, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अगेन अब हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे ये 4a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a माइनस 20 डिग्री। तो कुछ स्टूडेंट्स को ये माइनस प्लस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको समझिए। ये जो माइनस का साइन है ये इस ब्रैकेट के अंदर में a माइनस 20 डिग्री इस दोनों के लिए पुट किया गया है, दोनों को हम देखते हैं। तो अब इसके बाद ये क्या कैलकुलेशन हो जाएगा, 4a इज इक्वल टू 90 डिग्री तो ऑलरेडी है, उसमें कुछ नहीं करना है। माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस a हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कितना 20 डिग्री। अगेन इसे हम कंटिन्यू करते रहेंगे, a माइनस में राइट से लेफ्ट मूव्ड होगा, प्लस हो जाएगा, 90 प्लस 20 110 डिग्री हो जाएगा। और इस कंडीशन में 5a इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड सो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 डिग्री। तो दोनों कंडीशन में हमारा सवाल बन के तैयार हो गया, a इक्वल टू कितना निकला है 22 डिग्री। तो साइड हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिखिए, सवाल को लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। क्या मन लग रहा है पढ़ने में? नहीं अभी मन नहीं लगेगा पढ़ने में, हाँ जिस दिन समझ में आएगा कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए ना, उस दिन मन लगेगा पढ़ने में। इसलिए समझ में आए और मजबूरी बन जाए पढ़ना और मजबूर हो जाए पढ़ने के लिए, उससे पहले समझना शुरू कर दीजिए। कहते हैं ना दो बातें, बदलना तो है, समय रहते आप बदल लिए तो बहुत अच्छा, नहीं समय ने बदला आपको तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना। इसलिए समय को बदलने मत दीजिए, वक्त रहते अपने आप को बदल लीजिए। तो इसलिए कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इसके सवाल को, 6 नंबर में क्या सवाल है उसको देखते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर का सवाल क्या है देख पा रहे होंगे आप लोग। सवाल कह रहा है If A, B and C are interior angles of a triangle ABC, एक ट्रेंगल है ABC, उसका इंटीरियर एंगल है ABC, then show that, आपको शो करना है sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2। ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है एंड बहुत ही फेमस सवाल है, मैक्सिमम टाइम देखा गया है बोर्ड एग्जाम में, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स गारंटी है। इसलिए इस सवाल को प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस करना है। तो हम लोग चलिए सवाल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें गिवन क्या है, एबीसी एक इंटीरियर एंगल है, किस चीज़ का, ट्रायंगल एबीसी का। तो एज यू नो द सम ऑफ ऑल इंटीरियर या सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एज वी नो ए प्लस B प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्या प्रूफ करना है आपको, साइन B प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस A बाय 2, ये प्रूफ करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है, ABC एक इंटीरियर, ABC क्या है, इंटीरियर एंगल्स है ट्रायंगल ABC का। तो A प्लस B प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्या होगा, A प्लस B प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको याद है 9 क्लास में कुछ चीज़ें जब यूक्लिड ज्योमेट्री स्टार्ट किए होंगे तो वहाँ पे कुछ पढ़े होंगे एक्ज्यूम्स पोस्टुलेट्स इन सभी चीज़ों के बारे में। तो उसमें क्या देखे थे कि कोई स्टेटमेंट है उसके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ये भी एक स्टेटमेंट ही है आपका, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वलिटी ऑफ स्टेटमेंट है, आप या इसे इक्वलिटी कह सकते हैं, एक स्टेटमेंट है। और इसमें क्या देख पा रहे हैं कि हम इसमें दोनों लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों को सेम नंबर से ऐड कर सकते हैं, सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से हम डिवाइड लगा सकते हैं, देर इज़ नो एनी चेंजिंग इन इट्स वैल्यू। ऐसा करने से इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत, दिख रहा है आप लोग को, क्लियर है। चलिए अब हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, a प्लस बी बाय 2 और प्लस सी बाय 2, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एंड ये भाई साहब क्या बन जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो हम इसे और भी कुछ लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बाय 2
इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी बाई टू, ये बना लिए, सवाल बन गया। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, इतना इजी सवाल है, यहाँ तक कर लिए। अब हम लोग सवाल की ओर चलते हैं, तो हमको प्रूफ क्या करना है, तो हम LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है आपका, साइन बी प्लस सी, और बी प्लस सी है। चलिए तब थोड़ा चेंजिंग करना पड़ेगा, हम उसको ध्यान दिए नहीं, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे फिर थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा आंसर में। तो आप इसको b प्लस सी है तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a बाई टू प्लस बी प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं b प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये a बाय टू उधर चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे, दुर्घटना घट गया, देखे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। तो क्या देख रहे थे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ये सवाल आपको देख रहे हैं, बी प्लस सी बाई टू ऐसा कुछ लाना है। तो अब हमारे पास क्या है, साइन बी प्लस सी बाय टू, ये बी है भाई साहब, कुछ और मत समझ लीजिएगा, हाँ ठीक है। तो ये साइन बी प्लस सी बाय टू इक्वल टू प्रूव करना है आपको कॉस ए बाय टू, तो आप क्या लिख सकते हैं, क्या हम जान सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए। तो इतना इज इक्वल टू इतना होता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो अभी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं उसको देखते हैं, इसको अभी हम लोग देखेंगे, इसको लिखेंगे साइन बी प्लस सी बाय टू को उसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, क्या चीज़ में, कॉस में, वेरी गुड, क्या बात है, कॉस ये 90 डिग्री माइनस बी प्लस सी बाय टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरे को थीटा मान लेंगे तो ये भी थीटा है आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं दिक्कत है। तो चलिए ये सिंबल होगा यहाँ पे, अब आगे देखते हैं। तो क्या है ये, साइन बी प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस में b प्लस सी बाई टू इक्वल टू क्या है भाई साहब, 90 डिग्री माइनस a बाय टू है, तो हम लोग इसको डालेंगे। तो उसके लिए थोड़ा एक और चेंजिंग करना पड़ेगा, यहाँ मिडिल ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा 90 डिग्री माइनस a बाय टू, क्या होगा ये 90 डिग्री माइनस a बाय टू, क्या बात है, सवाल तो बना लिए भाई साहब आप लोगों ने, कितना आसान है ना, है ना आसान। तो ये आपका हो जाएगा साइन b प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos, और ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस से, पिछले सवाल में बताए थे ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर में जो कोई भी टर्म रहेगा सभी को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्लस रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा माइनस 90 डिग्री और माइनस माइनस प्लस ए बाय टू, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये भाई साहब गया ससुराल। अब आ गया आपका साइन बी प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू कॉस ए बाय टू, प्रूफ्ड हो गया, है ना आसान। तो ये आपका सवाल रहा, साइन बी प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू कॉस ए बाय टू, ये आपको प्रूफ कर दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग, अब नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, और ये एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट सवाल है। हम लोग आज इस वीडियो को यहीं तक कंटिन्यू रखेंगे, इस सवाल को देखेंगे कैसे बनाना है, इसके बाद इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका ये, आज एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी का, 8.4 में देखेंगे। हाँ तो इस सवाल को पहले देखते हैं फिर डिस्कस करेंगे आगे। और एक बात और, इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बड़े यूट्यूबर तो हैं नहीं, टीचर हैं, पढ़ाते हैं, समझ में कैसा आ रहा है पता नहीं क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए करके
बड़े यूट्यूबर की तरह। यूट्यूबर बनने का भी इच्छा नहीं है उतना, टीचर बने रहना अच्छा लगता है। आप सपोर्ट करते रहेंगे तो पढ़ाने मज़ा आएगा और रोज़ नए नए कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, एक एक आपके हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपका प्रॉब्लम यानी कि मेरा प्रॉब्लम, दोनों लोग जुड़ेंगे, अच्छा लगेगा। तो सवाल क्या कहता है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सवाल पे। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये जो साइन सवाल ये है कुछ इस प्रकार से, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसका जो वैल्यू है 67 डिग्री एंड 75 डिग्री, इसको कुछ फेर बदल करके, सरकार में कुछ परिवर्तन ला करके क्या करना है आपको, 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बिटवीन, बिटवीन समझते हैं ना, हम बिटवीन खड़े हैं इधर वाले वॉल एंड इधर वाले वॉल के बीच, दीवार के बीच में। तो बिटवीन का मतलब होता है उस दोनों को छोड़ करके, यानी कि इसके वैल्यू को जो एक्सप्रेस करना है ना तो 0 आना चाहिए ना ही 45 आना चाहिए, यानी कि 0 से ग्रेटर 45 से स्मॉलर। हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी क्या कहता है, सवाल है आपका साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। बस यहाँ पे भी बिहार वाला खेला करेंगे, बंगाल तो है नहीं कि खेला होवे, ये बिहार है। नीतीश कुमार कभी मोदी जी के साथ में, कभी लालू यादव जी के साथ में, तो यही अदला बदली चलता रहेगा। पता नहीं यार, लोग हैट्रिक मारता है, हमारे नीतीश बाबू तो लगा हुआ है कि सेंचुरी मान के ही मानेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, उससे पहले छोड़ना ही नहीं है। विधायक की संख्या किसी का भी ज़्यादा हो फर्क नहीं पड़ता है, मुख्यमंत्री तो नीतीश बाबू को ही बनना है। क्या चचा, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये सवाल है, आप इसको दोबारा आपको सोचना है कैसे करना है, तो आप इसे लिख सकते हैं अगेन, जिसको कन्वर्ट करेंगे 90 माइनस 67 एंड इसको भी 90 माइनस 75, ये कर लेंगे, उसमें जो आएगा उसे आप लिख सकते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस, 90 डिग्री में से कितना माइनस करेंगे कि आपको 67 आ जाएगा, 23 डिग्री माइनस करेंगे, 90 माइनस 23 क्या आ जाएगा, 67। आप इसे लिख सकते हैं इसे, फिर आपका हो गया प्लस कॉस, फिर से है 90 डिग्री माइनस, 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 75 आ जाएगा, तो 15 हो गया ना, सरकार बन गया। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि साइन 15 डिग्री, बन गया सवाल। इससे ज़्यादा आसान क्या होगा, कुछ है ही नहीं सवाल में। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पे ब्रेक देते हैं, एंड आज के लिए ब्रेक देते हैं, नॉट एवरी टाइम, हमेशा के लिए ब्रेक नहीं देना है। हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, पूरा एनसीईआरटी को देखेंगे, हर एक सवाल को, किसी को भी छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अब आपका आज आपका 8.3 कंप्लीट हो गया है, एंड इसके बाद है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, एंड एज पर योर इन्फॉर्मेशन, नहीं काइंड इन्फॉर्मेशन, इंग्लिश बाबू है ना आप लोग, आइडेंटिटी का जितने भी फॉर्मूला है उसको कैसे बनाया जाएगा, कैसे प्रूफ किया जाएगा, उसको कौन कौन सा फॉर्मूला है, हम उसे कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे कैसे यूज़ करेंगे, ये सारा चीज़ लिस्ट में वीडियो है, उस वीडियो को जाके देखिए और वहाँ से समझिए। और आज का ये होमवर्क है आपके लिए कि इस आइडेंटिटीज़ को देख करके आइए, सारे फॉर्मूला को। बेस्ट वे टू स्टडी, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ाया जाए आप उसे पहले से पढ़ के आइए, तो हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, मिलके अच्छा लगता है ना, क्या धूम मचाना है, फोड़ना है, क्या करना है, फोड़ना है बोर्ड एग्ज़ाम को। हाँ, क्योंकि
सिर्फ बोर्ड एग्जाम ही नहीं, आपका ये फाउंडेशन है, ये बेस्ट रहेगा, देन आपका जो आगे आईआईटी के लिए जाएंगे ना, जी एडवांस के लिए, जी मेंस के लिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बहुत बेस्ट रहेगा। हाँ, इसलिए बेसिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। आप कौन हैं, स्टैंडर्ड वाले हैं या बेसिक्स वाले, मैटर नहीं करता है, कंसेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, सीखिए। हम तो कहते हैं कि पता नहीं सरकार को हो क्या गया है, बोर्ड में कौन लोग बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये टेंथ में बच्चों को स्टैंडर्ड और बेसिक कर दिया है मैथ में, यार ये सब मैथ नहीं बना पाएगा तो क्या करेगा बच्चा, उसका आई क्यू लेवल डेवलप कैसे होगा? इतनी आसान आसान चीज़ है, क्या सवाल है, मजाक कर रखा है सवाल को, ऐसा कर लगता है। इसलिए कोशिश कीजिए, ताकि पढ़ने में इंटरेस्टेड है, मज़ा आ रहा है आपको, सब बढ़िया है, कहीं कोई इशू नहीं है, तो स्टैंडर्ड लेने की कोशिश कीजिए। बेसिक में कुछ नहीं है यार, टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, एंड जितने भी इस सीरीज़ में जो भी वीडियो बना है, जो भी सवाल सॉल्व किया गया है, जो भी एक्सरसाइज 8.1 से लेकर के 8.3 तक का कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए आपका। कोई एक्सक्यूजेज नहीं, बहाना नहीं होना चाहिए। हाँ, मेला ख़त्म हो गया भाई, दुर्गा पूजा, दिवाली, बहुत टाइम है, साफ़ सफाई अभी नहीं, अभी बुक की सफाई चलना चाहिए, पूरा हर एक सवाल को छान मारना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।